हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज की एक्सेल की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक्सेल का मोस्ट यूजफुल फंक्शन, दैट इज़ रैंक। रैंक फंक्शन आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। रैंक फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई ऐसा डेटा गिवन होता है जिस डेटा में हमें पोजिशन को फाइंड आउट करना होता है। तो अगर आपके पास कुछ स्टूडेंट डेटा है तो आपने देखना है कि स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स हैं, उसका फर्स्ट रैंक हो, तो ऐसे कामों के लिए हमारा यूज़ होता है रैंक फंक्शन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको rank.eq rank.average फंक्शंस एक्सप्लेन करूँगी, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रैंक फंक्शन की। जैसा मैंने पहले बताया, रैंक फंक्शन कोई भी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें हेल्प करता है। सपोज कीजिए आपके पास ये स्टूडेंट डेटाबेस है और मुझे देखना है कि साइंस के मार्क्स के बेस पे किस स्टूडेंट का फर्स्ट रैंक है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसका रैंक फर्स्ट होगा, या फिर जिस स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स होंगे उसका रैंक आपने फर्स्ट रखना है। तो ये चॉइस हमारी है कैसे हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगी इक्वल टू रैंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने रैंक लिखा तो तीन फंक्शंस आए हैं, rank.average, rank.eq एंड rank। और रैंक फंक्शन के आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है एक्सेल में अगर आपके किसी भी फार्मूला के ऊपर ऐसा सिंबल बना होता है ट्रायंगल का, तो इट मींस ये फार्मूला एब्सोल्यूट हो चुका है, लेकिन ये लिस्ट में आपको शो होगा। जो रैंक फंक्शन था ये हमारे पास एक्सेल 2007 और उससे प्रीवियस वर्जन्स में अवेलेबल था, लेकिन आज भी अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। इसको ख़त्म करके हमारे पास एक नया फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, दैट इज़ rank.eq। रैंक और rank.eq का सेम काम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि रैंक फंक्शन यहाँ से एब्सोल्यूट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी हम इसको अपनी एक्सेल की शीट में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले है नंबर, आपने किस नंबर का रैंक निकालना है। तो जैसे मुझे साइंस का देखना है, मुझे फर्स्ट स्टूडेंट सरिता ही है जिसके 22 मार्क्स हैं। मुझे देखना है इन पूरे स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस का टेस्ट दिया है, सरिता का रैंक जैसे 22 है तो इसका कितना रैंक आया है, कॉमा। उसके बाद पूछा गया है सेल रेफरेंस। यहाँ पे आप देंगे पूरी की पूरी रेंज, तो रेंज में मैं ये पूरा डेटा सिलेक्ट करूँगी। जब आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो ध्यान रखिए जो नंबर, जिस नंबर का आपने रैंक निकालना है वो भी आपके डेटा के बीच में आपने सिलेक्ट करना है। इसको मैं कर दूँगी यहाँ पे फ्रीज। फ्रीज इसीलिए किया है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको ड्रैग करूँगी तो ये सेल रेफरेंस जो है वो चेंज ना हो सके। जो थर्ड पैरामीटर है दैट इज़ ऑर्डर। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने किस तरह से इसके रैंकिंग ऑर्डर को डिस्प्ले करवाना है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेंडिंग होता है, जिस स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स होंगे उसका रैंक 1 दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स हैं उसका रैंक 1 दिखाए, तो आपको यहाँ से असेंडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करनी होगी। तो अगर आपने डिसेंडिंग करना है तो या तो आप 0 लिखें या फिर ना भी लिखें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही काम करता है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँगी और एंटर। तो यहाँ से पता चल गया है कि जो मेरी स्टूडेंट है सरिता, उसका रैंक कितना है, 7। तो मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगी तो देखिए तो ये सारे आपके रैंक आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, मेरे पास रैंक नंबर 1 है, रैंक नंबर 2 है, उसके बाद मेरे पास रैंक नंबर 3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स हैं, 26 एंड 26। तो इन दो स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स होने की वजह से उनको रैंक सेम दिया गया है
और जो थर्ड वाला रैंक था वो ओमिट कर दिया गया है। थर्ड के बाद जो फोर्थ रैंक है, फिफ्थ है, उसके बाद सिक्स्थ है और सेवन्थ भी देखिए दो स्टूडेंट को रैंक दिया गया है क्योंकि दोनों के मार्क्स जो हैं वो सेम हैं। तो एट्थ रैंक यहाँ से ओमिटेड है और उसके बाद है नाइन्थ रैंक। अब बात करते हैं रैंक डॉट ई क्यू फंक्शन की। रैंक डॉट ई क्यू ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले यहाँ से मांगा है नंबर, तो नंबर हम सेम वही सिलेक्ट करेंगे कॉमा। उसके बाद है रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए मैंने इन सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है और ऑर्डर मुझे सेम रखना है। मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगी और एंटर। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है सेवन। इसको करने से पहले हम इसको करेंगे यहाँ पे फ्रीज, क्योंकि अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करती हूँ तो आपका जो सेल रेफरेंस है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला को करेंगे नीचे ड्रैग। तो देखिए जो आपका रिजल्ट रैंक फार्मूला का था, सेम रिजल्ट आपका रैंक डॉट ई क्यू फार्मूला का है। यहाँ पे अगर अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है, हम चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स हैं उसका रैंक वन आ जाए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी असेंडिंग, इसको करूँगी मैं एंटर। तो देखिए इसका रैंक आ चुका है थ्री। तो अब आप देख सकते हैं अब फर्स्ट रैंक मेरे पास यहाँ पर दो स्टूडेंट्स का आ चुका है। एक है राहुल जिसके मार्क्स हैं 14 और दूसरा है जसप्रीत, इसके मार्क्स भी हैं 14। तो सबसे मिनिमम मार्क्स वालों का रैंक आ चुका है फर्स्ट। तो फर्स्ट दो स्टूडेंट्स का रैंक आ चुका है, इसलिए जो रैंक नंबर टू है वो यहाँ से ओमिट हो चुका है। उसके बाद आ गया है रैंक नंबर थ्री जो कि दो स्टूडेंट्स का है, तो रैंक नंबर फोर स्किप कर दिया गया है। देन आ चुका है रैंक नंबर फाइव, सिक्स, सेवन, एट। एट्थ रैंक भी दो स्टूडेंट्स का है, कनिका एंड हितेश, जिनके मार्क्स हैं 26। तो नाइन्थ रैंक यहाँ से चला गया है और उसके बाद आ चुका है टेंथ रैंक। तो इस तरह से रैंक फंक्शन जो है आपकी रैंकिंग करेगा स्टूडेंट्स की, और जिन स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स होंगे वहाँ पर वो सेम रैंक ही उनको शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स के सेम रैंक हैं उनका सेम रैंक ना शो हो, एवरेज कैलकुलेट हो उन रैंक्स की, तो आप फंक्शन यूज़ करेंगे रैंक डॉट एवरेज। तो वो कैसे हम यूज़ करेंगे, इक्वल टू रैंक डॉट एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले आपका नंबर, तो नंबर मैंने ये दे दिया है, कॉमा। देन है आपका रेफरेंस के लिए मैंने ये सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है, इनको मैंने कर दिया है फ्रीज और ब्रैकेट क्लोज। ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए जिस तरह आपने रैंक को डिस्प्ले करवाना है। तो एंटर। तो इस फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करूँगी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले है मेरा रैंक नंबर वन जो कि है किरण का, क्योंकि उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं दैट इज़ 32। उसके बाद रैंक नंबर टू पे दो स्टूडेंट्स हैं दैट इज़ हितेश एंड कनिका, दोनों के मार्क्स 26 हैं, इसलिए जो 26 दो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो एक का रैंक बनना चाहिए टू और एक का बनना चाहिए थ्री। दोनों ऐड हुए, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक 2+3 डिवाइड हुए 2 से और उनकी एवरेज निकल आई 2.5। तो इसलिए इसने हितेश और कनिका को 2.5 जो है रैंक असाइन किया है। अब दोनों का दो रैंक्स आ गए हैं 2.5, जो थर्ड नंबर का रैंक था फ्री नंबर वो भी यहाँ से स्किप हो गया है। उसके बाद आ गया है रैंक नंबर फोर, देन फाइव, देन सिक्स। अब बढ़ते हैं रैंक नंबर सेवन पे। सेवन पे मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं दैट इज़ सरिता एंड रीना, दोनों के मार्क्स हैं 22। अब जैसे दो स्टूडेंट्स के 22 मार्क्स हैं तो दोनों के रैंक ऐड हुए, एक 7 और एक 8, ऐड होकर डिवाइड हो गए 2 से, तो 7.5। अगर मेरे पास एक और स्टूडेंट होता जिसका मार्क्स होते 22, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ। तो देखिए तो यहाँ पे जो रैंक है वो भी चेंज हो गया है, क्योंकि 7, 8, 9 तीन रैंक्स बन गए हैं, तीनों को ऐड किया डिवाइड बाई 3 किया तो मेरे पास रैंक आ गया 8, तो तीनों को 8 वैल्यू असाइन हो गई है। इस तरह रैंक डॉट एवरेज फंक्शन जो है
अगर किसी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपकी आ जाती हैं लिस्ट में, तो बेसिकली वो उनका एवरेज निकालता है रैंक्स का और एज अ रिज़ल्ट आपको शो करेगा। तो इस तरह से रैंक फंक्शन और उनकी वेरिएशंस को ईज़िली आप एक्सेल की शीट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरी एक्सेल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग अस।